मेरा नाम है बाबर हुसैन और यह है मेरा यूट्यूब चैनल बाबर हुसैन। फ्रेंड, आज मैं आपको अपनी ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखा रहा हूँ कॉलोनी की। इस कॉलोनी में मैंने तकरीबन 8-10 पेड़ छोड़े हुए हैं फ्रेंड्स, और आगे आने वाले दिनों में मेरी कोशिश है कि यहाँ पे मैं 25 से 30 पेड़ छोड़ूँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी कॉलोनी है। इसकी हाइट तकरीबन 7 फीट है, ऐसे इसकी डीप जो है वो 4 फीट है, और इसकी ऐसे लंबाई जो है ये तकरीबन 8 से 9 फीट है। तो फ्रेंड, इसलिए यहाँ पे पेड़ बहुत कम है, तो मेरी कोशिश है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ छोड़ूँ और एक अच्छी ब्रीडिंग प्रोग्रेस लूँ, और मैं साथ साथ वीडियो बना के आप फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी करता रहूँगा। तो चलो चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ, और मैं आपको अपनी ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। और ये शाला कुछ है फ्रेंड, ये फीमेल भी एग ले कर रही है, माशाल्लाह इसने 2 एग माशाल्लाह ले कर रही है फ्रेंड्स। ऊपर वाली में देखते हैं फ्रेंड्स, माशाल्लाह इसने भी 4 एग्स ले कर दी है, और इसको तकरीबन 8-10 दिन हो गए फ्रेंड्स, और एग मुझे सारे ही फल्टे नज़र आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड मैंने यहाँ पे कुछ फालतू भी लगाए हैं ताकि इनकी फाइट कम से कम हो, और तकरीबन 5 से 6 कुछ फालतू फ्रेंड लगे हुए हैं यहाँ पे, भी कुछ भी नहीं है फ्रेंड। ये आगे वाला कुछ देखते हैं फ्रेंड्स, माशाल्लाह यहाँ पे चीक्स आए हुए हैं फ्रेंड्स, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मैं ऊपर से दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये माशाल्लाह इसमें 1 2 3 4 5 फ्रेंड चीक्स है, ये इनके हेड के ऊपर से गिना जाता है फ्रेंड्स। इसमें 4 रेड आइज हैं और 1 ब्लैक आइज है फ्रेंड, तकरीबन 8 पेयर लगे हुए हैं फ्रेंड्स। 2-3 फीमेल फालतू भी हैं, मगर पेयर इसमें 8 तकरीबन लगे हुए हैं। तो ये नीचे वाला कुछ ऐसे देखते हैं फ्रेंड्स, माशाल्लाह माशाल्लाह इसमें भी तकरीबन 5-6 आ चुके हैं फ्रेंड्स, और 3 एग पड़े हुए हैं, देखते हैं भी इन 3 एग में से कुछ बच्चे निकले हैं कि नहीं। फ्रेंड, ये मैं एक चीज़ आपको दिखाता चलूँ कि अगर कोई बच्चा बड़ा हो या कोई बहुत ही ज़्यादा छोटा हो तो आपने उसको दूसरे कुजे में शिफ्ट कर देना है, क्योंकि बड़े चिक्स जो हैं वो छोटे चिक्स के ऊपर बैठ जाते हैं, जिससे वो दब के नीचे एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये आप साथ साथ कॉलोनी का चक्कर लगा के तो बच्चों को आगे पीछे शिफ्ट कर दिया करें। और फ्रेंड, ये कुजे काफ़ी गंदे हो चुके हैं, इनके मैं अभी सफाई भी करूँगा, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों में आपको पता ही है बीमारी बहुत ज़्यादा अटैक करती है। तो फ्रेंड, इसमें भी माशाल्लाह 3 चिक्स आ चुके हैं, 3 और चेक कर लेता हूँ मैं, हाँ तो फ्रेंड इसमें 3 चिक्स आ चुके हैं ये देखें, और 5 एग्स हैं। ये फ्रेंड अभी छोटा वाला जो बच्चा आप देख रहे हैं, बाकी 2 ठीक है, जो छोटा वाला है इसको मैं किसी और जगह पे शिफ्ट कर दूँगा ताकि ये एक्सपायर ना हो। तो फ्रेंड 5 इधर है, 5 चिक्स कुजे में और 3 इसमें आ चुके हैं, 13 चिक्स आ चुके हैं फ्रेंड्स। और इस कुजे में भी देखें, ये फीमेल बैठी हुई है बच्चों को लेके, ये तकरीबन इसमें 3 चिक्स हैं फ्रेंड्स, और बकाया जो 2-3 है क्या ये ख़राब हो चुके हैं। और अब ये देखें बच्चों के ऊपर भूरा आ रहा है, और ऐसे जो बच्चे हो जिनके ऊपर छोटी छोटी सी रुई आ रही हो तो ये बहुत ही सेहतमंद बच्चों की निशानी होती है फ्रेंड्स। और ऊपर वाली कुजा चेक करते हैं, इसमें माशाल्लाह 3 चीज आ चुके हैं फ्रेंड्स, माशाल्लाह देखें अभी ये थोड़े से बड़े हो गए फ्रेंड्स। और ये वाला कुजा देखते हैं फ्रेंड्स,
इसमें मादी एग दे के बैठी है फ्रेंड, ये पहले की फीमेल है। तो फ्रेंड ये छोटी सी प्रोग्रेस थी, ये तकरीबन मेरे पास 8 पेड़ लगे हुए हैं, तो 3 फीमेल फालतू हैं, और अगर इनका रिजल्ट देखा जाए तो तकरीबन 5-10 और तकरीबन 19-20 बच्चे आ चुके हैं, और 2-3 मादियों ने एग भी ले किए हुए हैं फ्रेंड। तो ये थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड अगर मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि मेरी प्रोग्रेस कैसी लगी। तो मिलते हैं फ्रेंड अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।